नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का शरीर पर पड़ता है बुरा प्रभाव। शरीर, मन, तन, परिवार, घर सब ग्रसित हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण जब ऐसे सामने आते हैं तब विज्ञान भी कहीं ना कहीं सोचने लग जाता है। लेकिन इन नकारात्मक शक्तियों का उपचार नींबू के माध्यम से होता है और हमारे साधक देवी भक्त ललित जी बेंगलोर वाले बड़ी सफलता के साथ करवाते हैं। हमारे पास भी कई अनुभव ऐसे आए हैं जिसमें जिन लोगों ने उपचार करवाया है उन लोगों ने जब अपने अनुभव दिए हैं, और बड़ी बात तो ये है व्यूअर्स कि ललित जी बेंगलोर में बैठते हैं और जो समस्याग्रस्त व्यक्ति होता है वो उनसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर, बल्कि कई तो केस विदेश तक के हजारों हजारों किलोमीटर दूर, किस तरह से मंत्र शक्ति काम करती है और किस तरह से नींबू के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों का उपचार हो जाता है। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बेंगलोर से जुड़ रहे हैं देवी भक्त ललित जी। ललित जी जी, संजय जी, जय माता जी की और जय माँ चामुंडा माता की। जय माँ चामुंडा माँ की। ललित जी, आज हम अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं, आप जो प्रक्रिया करते हैं नींबू के माध्यम से और आप बेंगलोर में बैठ करके फोन पे वो प्रक्रियाएं कर देते हैं हजार हजार किलोमीटर दूर जी सर। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब कई आपके लोगों के अनुभव भी ऐसे आए कि उनको बहुत महसूस हुआ, रिलैक्स फील हुआ, नींद आने लगी और कई बार तो नेगेटिव एनर्जी भी आपके उस ऑडियो में बोलने लगी। तो ये देखिए, मेरे लिए भी बहुत रहस्यमय विषय है। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं कोई ये नहीं है कि अविश्वास के रूप में प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, विश्वास करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि आपकी प्रक्रिया आप किस रूप में संपन्न करते हैं। जो बात आप अपने व्यूवर्स को खुले रूप में बता सकते हैं वो आज हमें बताएं कि किस तरह से नींबू के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों का उपचार होता है। ऐसा है संजय जी कि जैसे मेरे को कोई क्लाइंट ने मेरे को फोन करते हैं तो उनका जो नाम फोटो मंगवाता हूँ और मैं देवी माँ को जो भोग और उनकी जो समस्या होती वो देवी माँ को सुपरिचित कर देता हूँ जी। उसके बाद में मैं क्लाइंट को फोन करके बोल देता हूँ कि आप 15 नींबू और जो जायफल है वो लेके रखिए जी। उस समय मैं उनको फोन करता हूँ और फोन करने के बाद में जैसे उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में मैं नींबू रखवाता हूँ और देवी माँ से प्रार्थना करता हूँ। और प्रार्थना करने के बाद में जब मैं मंत्र उच्चारण करता हूँ तो जो देवी माँ के जो दूत होते हैं वो जाते हैं कार्य करने के लिए जी। जी, देवी शक्तियों के दूत जाते हैं जी। दूत जाते हैं और दूत जाके उनके उधर जो नकारात्मक शक्ति होती है तो उनको वो खींच के लेके आते हैं जी और उनको उनको शरीर से मुक्त करवा देते हैं। और कभी कभी तो शरीर में जो नकारात्मक शक्ति खुद आके बोलने लग जाती है जी। जी, ये भी हमने सुना है बिल्कुल। हाँ ठीक है ना, जो भेजा हुई है या भेजा हुआ है या खुद ऑटोमेटिक आई है वो खुद बोलने लग जाती है जी। जी, जी, तो ये कई बार हमने सुना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं नींबू टाइट हो गया, कुछ लोग बोलते हैं नींबू वैसा ही रहा, कुछ लोग बोलते हैं नींबू में दरार आ गई, कई बार कुछ चीजें फट जाती है, तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है संजय जी कि जब नेगेटिव ऊर्जा किसी की ज्यादा होती है ना तो उसमें समा जैसे ही उसमें नींबू में आना चालू होती है ना, जब नींबू में जगह नहीं बचती है तो नींबू फट जाता है, यानी कि उसमें नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अच्छा, और कई बार अगर कुछ ऐसा भी कभी हुआ होगा कि जिसमें नींबू में कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू में कुछ भी फर्क नहीं होता है, लेकिन जब नींबू कटिंग होने के बाद में या तो 5-6 घंटे बाद में या 8 घंटे बाद में जब रात को जो भी व्यक्ति है, जो भी महिला है, जो भी बहन है, जो माता है, जब सोती है तब रात में वो नेगेटिव ऊर्जा उसका शरीर से निकलना चालू होता है। मेरे को ऐसा कई माताओं और बहनों ने बताया है। अच्छा, मतलब उस वक्त नींबू पर प्रभाव नहीं दिखता। हाँ, लेकिन जब वो रात को सोते हैं तो उस वक्त उन्हें महसूस होता है कि कुछ शरीर से उनके निकल रहा है। हाँ, निकल रहा है। अच्छा, ये बड़ा बड़ा रहस्यमय
जो है घटनाक्रम है आप बता रहे हैं, और लोगों के अनुभव बिल्कुल अपने मन की जो बात है वो कहीं ना कहीं आ रही है। तो नींबू के माध्यम से आप, मतलब सीधी बात है, काम करती है आपकी मंत्र शक्ति, काम करती है देवी की शक्ति, देवी की कृपा। मनुष्य मंत्र के अधीन और मंत्र देवताओं के अधीन। और फिर देवता भी कहीं ना कहीं मंत्र के अधीन हो जाते हैं। हाँ, देवता भी मंत्र के अधीन होते हैं ना। जी जी जी, वो मंत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं या फिर वो उस मंत्र के हिसाब से फिर वो अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, देवी शक्तियां फिर अपनी प्रक्रियाएं करती है। तो ये आपकी प्रक्रिया थोड़ी, मतलब किस तरह से है, आप एक बार जो काम करते हैं, पहली बार काम करते हैं, उसमें आप नींबू शरीर के विभिन्न हिस्सों में रखवाते हैं, आप मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और नींबू कटिंग करवाते हैं। जी सर। और नींबू कटिंग करने के बाद में वो नींबू लोग जो करवाते हैं वो अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। बाहर फेंक देते हैं और जायफल है वो जला देते हैं। जायफल? अच्छा, जायफल जला दिया जाता है और नींबू जो है बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो इसमें इसमें क्या बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है या फिर छोटी मोटी जो चीजें होती है उनका समाधान होता है, आपके अनुभव क्या बोल रहे हैं ललित जी? सर, इसमें माँ भगवती के ऊपर किसी की समस्या एक में निकल जाती, किसी की दो प्रक्रिया करवानी पड़ती है, किसी की तीन में भी होती है, और कुछ कुछ ऐसी भी होती है कि उसमें कुछ प्रक्रिया अलग भी होती है, कुछ और इससे भी इतर भी आपको प्रक्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन एक बात एक बात तो है कि जब एक बार आप प्रक्रिया करवाते हैं तो उस वक्त तो व्यक्ति को रिलैक्स फील होगा ही होगा। हाँ, उस समय में व्यक्ति को एकदम शरीर हल्का हो जाता है और नींद भी अच्छी आनी चालू हो जाती है, और शरीर में कोई दर्द होता तो वो दर्द से भी निजात पा जाता है। आपकी ये प्रक्रिया क्या नींबू की प्रक्रिया सिर्फ नेगेटिविटी के लिए? क्योंकि हमने आपके कुछ अनुभव ऐसे भी सुने हैं जहां आपने व्यापार को भी शुरू करवा दिया, कोई व्यापार बंद था या दुकान नहीं चल रही थी, उसका रोजगार चलने लग गया, तो वो क्या नींबू की प्रक्रिया है या वो दूसरी प्रक्रिया है? उसमें नींबू भी लगते हैं, नारियल भी लगते हैं। अच्छा, उसमें और एडिशनल चीजें हो जाती है कुछ? हाँ, तो उसका मतलब उसकी थोड़ी प्रक्रिया विधि थोड़ी अलग हो गई। हाँ देखो, जिस किसका कोई काम अलग अलग होता तो वो तो जैसे देविक शक्ति के दूत बताते हैं कि इसको ये चीज रखवाओ, तो फिर मैं वही चीज रखवाता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा रोग वैसा उपचार, उस ढंग से ही निदान होता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये प्रक्रिया जब आप करते हैं नींबू वाली, तो आपका ये क्रम क्या है? आप एक प्रक्रिया करते हैं, इसमें कितना समय लगता है तकरीबन? इसमें मेरे को लग जाता है करीबन 1 घंटा, और किसी किसी को तो 1 घंटा के ऊपर भी लग जाता है। अच्छा, आप इस प्रक्रिया में आपको 1 घंटे से भी ऊपर कई बार लग जाता है, और फिर आप एक प्रक्रिया और करवाते हैं? हाँ, एक प्रक्रिया और करवाता हूँ, वो मिनी प्रक्रिया होती है, वो एक और करवाता हूँ। ये क्या, कितने दिन में? 7 दिन में, 10 दिन में, महीने में? हाँ नहीं, 7 दिन में। आप 7 दिन के अंदर में आप एक बार इसकी इसी प्रक्रिया को मिनी प्रक्रिया थोड़ा छोटे रूप में, और अगर किसी को आवश्यकता हो तो फिर उसको शायद उसी रूप में भी करवानी पड़ जाए। हाँ, तो उसका फिर वो जो शुल्क है वो अलग लगेगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि उसमें फिर आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसका मतलब ये हुआ। और एक प्रक्रिया आपकी इसमें और भी जुड़ती है जो अलग होती है, मतलब अगर इनसे भी काम नहीं होता तो फिर वो भी प्रक्रिया आप इसमें लेते हैं? हाँ जी, लेते हैं। देखो, प्रक्रिया सब अलग अलग होती है, जैसे एक तरीके की नहीं होती, कोई नींबू वाले भी होती है और नारियल वाले भी होती है, और भी कई अनेक प्रक्रिया है। जी जी जी, तो आप ललित जी नकारात्मक शक्तियों यानी नेगेटिविटी की मुख्य जो है का काम आपका हो जाता है। नेगेटिविटी चाहे आपके घर में हो, किसी की दुकान में हो, किसी के व्यवसाय में हो, किसी के शरीर के ऊपर हो, हाँ शरीर के ऊपर हो, तो नेगेटिविटी जो है उसका उपचार मुख्य रूप से आप करते हैं, और वो नेगेटिविटी में फिर तंत्र मंत्र भी कहीं ना कहीं आ जाता है। हाँ, देखो सर, तंत्र मंत्र करके तो नेगेटिविटी को भेजा जाता है ना। जी, जैसे कि किसी का धंधा बांध देते तो वो
क्या करते, कुछ ऐसी नेगेटिविटी शक्ति को भेज देते हैं, वो जाकर उधर बैठने से क्या होता है, उनका धंधा धीरे धीरे बंद हो जाता है। जी 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 और, जी और जैसे आदमी के शरीर में भी नेगेटिविटी भेज देते हैं, और भेजने के बाद में देवी देवता उनसे दूर हो जाते हैं। ओ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। जब मतलब नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश करवा देते हैं, तो फिर जो वहां पर पॉजिटिव शक्तियां होती है, देविक शक्तियां होती है, वो फिर दूर हो जाती है, तब व्यक्ति के लिए फिर दोहरा खतरा हो जाता है। क्योंकि अगर घर के देव अगर रहेंगे तो फिर उसकी रक्षा भी कर लेंगे वो। सर, देविक शक्ति तो किसी के बंधन में नहीं आती, लेकिन जब नेगेटिविटी शक्ति आती है ना, तो वो दूर हो जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जहाँ गंदगी पड़ी हुई हो तो आप थोड़ी गंदगी के पास में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, फिर अपन खुद दूर हो जाते हैं। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर है, गंदगी होती है वहाँ देवी देवता नहीं आते। बिल्कुल सही बात आपने कही। और ये और कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? आज आपने बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन आपने दे दिया, आपकी प्रक्रिया के बारे में भी दे दिया। बहुत सारे लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रही होगी कि नींबू से किस तरह से इलाज होता है, हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके किस तरह से इलाज होता है। और जैसे किसी की कोई सगाई बांध देते हैं और कोई शादी में रुकावट आती है, तो उसका भी काम माता रानी के करते हैं दूध। ललित जी, मैंने एक बार सुना है, आपने जिक्र किया था, एक दो केस, दो चार केस आपके पास ऐसे भी आए संतान प्राप्ति वाले, जिसमें बहुत साल तक किसी को संतान नहीं हो रही थी। हाँ, तो वो भी काम आपने किया था, फलवती हुआ था। हाँ, हुआ सर। चलिए, उनकी प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि जी, वो जी, हाँ, एक की प्रक्रिया में नहीं होती है, उनकी प्रक्रिया लंबी होती है। क्योंकि उसमें शरीर से लगा के लंबी प्रक्रिया होती है, तो वो प्रक्रिया का पूरा फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जैसा रोग होता है वैसा उपचार होता है। सर्दी जुकाम अगर है तो एक टिकिया से भी काम हो सकता है, लेकिन बुखार है तो फिर एंटीबायोटिक भी लेना पड़ सकता है। तो ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताई, और आज आपने अपनी प्रक्रिया के बारे में काफी हद तक आपने खुली जानकारी दी। जिन लोगों ने आपसे उपचार करवा लिया है वो तो खैर भलीभांति परिचित है ही आपसे, लेकिन जिन लोगों को अभी ये पता नहीं है कि आपकी उपचार प्रक्रिया क्या है, या आप हजार किलोमीटर दूर बैठ करके नींबू के माध्यम से उपचार कैसे कर देते हैं, तो उनके लिए ये निश्चित रूप से आपने जो आज अपनी बात बताई है वो उनके लिए बड़ी ज्ञानवर्धक होगी। और ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के अनुभव जिस अंदाज में बोले हैं उससे चमत्कार को नमस्कार है। मंत्र शक्ति काम करती है, मंत्र दूत काम करते हैं, हजार किलोमीटर दूर बैठ करके भी अगर नींबू में दरार आ जाती है, और कई बार बिना नींबू में दरार आए भी काम होता है, जैसा कि आपने कहा कि नींबू काटने के बाद रात को कुछ महिलाओं ने ये बात कही है कि उन्हें फील हुआ है ये कि उनके शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है और शरीर हल्का महसूस हो रहा है। तो ये बिल्कुल जिनको महसूस हुआ है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, और हम जो सुन रहे हैं हमारे लिए ये आश्चर्यजनक है, बिल्कुल आश्चर्यजनक है, लेकिन विश्वसनीय है, हम इसे अविश्वसनीय नहीं कहेंगे क्योंकि लोगों के अनुभव बोले हैं। सर, इसमें यह भी बात है सर, जो नींबू है वो तो मैं लेकर आता नहीं, वो तो उन्हीं के पास मंगवाता हूँ, जो भी चीज मंगवानी है तो उन्हीं के पास मंगवाता हूँ ना। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है, वो तो वही बताते हैं कि भी उन्हें क्या हुआ है। बाकी तो जो माता रानी का आशीर्वाद है और मेरे जो गुरु जी का आशीर्वाद है, उन आशीर्वाद की कृपा से ये काम हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप माध्यम बने हैं और आपको कई शक्तियों का सहयोग है, उधर देवी माँ की शक्ति है, उधर आपको पंडोकर हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिला है, हातिवान महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, गुरु संजी महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। बिल्कुल 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 मिला है, बिल्कुल मिला है, और इन सब का आशीर्वाद ही कहीं ना कहीं फलित होता है। गुरु कृपा और देवी शक्तियों की जो कृपा होती है वो फिर जटिल से जटिल काम को भी बहुत आसान कर देती है। ललित जी, आज आप हमसे जुड़े। हाँ जी, आपने सुना होगा कई बार नींबू फट जाते हैं, कई बार देखो तरबूज भी फट गए थे। हाँ, वो अमेरिका का आया था। जी सर, और कई बार तो जो पानी वाला नारियल होता ना वो हाथ में फट गया था।
जी, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। मेरे पास में क्लिप भी है, होना तो मैं क्लिप भी भेज दूंगा आपको जी जैसे नहीं ही जी नहीं, हम आवश्यकता नहीं, आवश्यक ललित जी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास खुद अनुभव आए हुए हैं लोगों के, इसलिए मैं तो खुद ही मान रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि आपकी प्रक्रिया के बारे में लोग थोड़ा जाने, क्योंकि थोड़ा सा ये विषय अलग है, पहली बार में विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं जी हुआ सर था, लेकिन जब लोगों के अनुभव आए तो फिर मुझे भी विश्वास हुआ। और मैं मानता हूँ शक्तियां, सूक्ष्म शक्तियां अपने हिसाब से काम करती जी है, सर तभी तभी और तो मैं लोगों को दर्शकों को परेशानी भी यही होती है, लोगों का उपचार होता है। जी जी सर मैं दर्शकों को यही कहता हूँ कि मेरे पास में जैसे नेगेटिविटी ऊर्जा है, किया कराया है, जिसकी दुकान नहीं चलती है, जिसका व्यापार में कुछ तकलीफ आ रही है, या कुछ सगाई में, शादी में, संतान में, वही लोग मेरे से संपर्क करें, बाकी किसी के किसी का मारण वशीकरण ये काम मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल, चलिए आपने बहुत अच्छी बात की कि जो आप नहीं करते हैं उनके लिए आपने पहले से खुलकर कह दिया कि मैं वो नहीं करता हूँ, इसलिए उसके लिए मेरे से संपर्क न करें। बहुत बहुत बहुत, हाँ बोलिए। और मैं चोरी छुपके भी काम नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ उनके घर वालों के सामने ही करूंगा, कोई कुछ मेरे पास में चोरी छुपके से केस लेके आ जाते वैसा केस भी नहीं करता हूँ। ठीक है, कई बार तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, मजबूरी में मेरे पास भी फोन कॉल्स आ गए थे और मुझे भी आपको कहना पड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना प्रिंसिपल बहुत क्लियर रखना ही चाहिए। आप क्लियर रख रहे हैं, ये जी अच्छी सर बात है, अच्छी बात है कि जो बात है घर में सबको पता होनी चाहिए कि आप किससे उपचार करवा रहे हैं, जी सर ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए, और ये आपने अपना प्रिंसिपल बनाया है तो ये अच्छी बात है। तो ये थे ललित जी, देवी भक्त ललित जी, बेंगलोर वाले, और इन्होंने अपनी प्रक्रिया की बात बताई और किस तरह से शक्तियां काम करती हैं, नींबू के माध्यम से भी किस तरह से उपचार होता है। उन्होंने अपनी बात को बहुत सरल शब्दों में, बहुत खुले शब्दों में आप तक पहुंचाया। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।